बच्चों, आज हम अध्याय 2 ओलंपिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ओलंपिक आंदोलन एक ऐसा शब्द है जो हमें ओलंपिक खेलों के विकास की प्रारंभ से एक लेकर वर्तमान तक की जानकारी प्रदान करता है। ओलंपिक आंदोलन को भलीभांति जानने के लिए हमें प्राचीन और आधुनिक दोनों ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आज हम अपनी वीडियो में ओलंपिक के प्रथम भाग यानी कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ओलंपिया शहर यूनान का एक पार्ट है। यूनान ग्रीस के ओलंपिया शहर के अंदर हुआ था, जिसके कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक दोनों ही प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन ओलंपिक में पुरुषों और लड़कों के लिए ही था। इसमें महिलाओं का आना वर्जित था। कोई भी महिला ना तो इसमें हिस्सा ले सकती थी और ना ही इसको देख सकती थी। उसके बाद इसमें आता है शुभारंभ। शपथ के साथ शुभारंभ किया जाता था। खिलाड़ी शपथ लेते थे कि हम नियमों का पालन करते हुए खेलेंगे और इसके साथ जो है निर्णायक शपथ लेते थे कि हम निर्णय में भेदभाव नहीं करेंगे। जीतने वाले को पुरस्कार के तौर पर जैतून की पत्तियों का ताज पहनाया जाता था। उसके पश्चात इस खेल को यूनान में सर्वोपरि रखा गया था, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खेल का सहारा लेते थे। किसी भी यूनानी के लिए यह एक सबसे बड़ा त्योहार होता था। इसका अंत, प्राचीन ओलंपिक का अंत, इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ, क्योंकि 394 ईसा पूर्व रोम के राजा थियोडोसियस प्रथम ने यूनान पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया और 394 ईसा पूर्व इस खेल को बंद कर दिया गया, जो कि थियोडोसियस प्रथम के साथ द्वितीय ने भी इसको लगातार बंद ही रखा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगली एपिसोड में अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि आधुनिक ओलंपिक और उसकी विस्तृत जानकारियां।